डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए। तो यार इससे कॉर्नरिंग करने का इतना मज़ा आ रहा है, ये देखिए मैंने फुल लीन कर दिया। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बनेगी। सो हे फोक्स, वेलकम टू दिस चैनल एसटीएम मोटर व्लॉग्स एंड दिस इज़ योर होस्ट सत्यम तिवारी इन द न्यू वीडियो। आज है हक्सवर्णा की विटपिलियन 250cc, आप देख रहे हैं, एंड BS6 है वो तो आप जानते ही होंगे। तो काफ़ी ओपी बाइक है एंड मतलब लिटरली जो लुक्स है वो कैफे रेसर लुक है इसका। एंड अगर इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो बेसिकली सेम है वही 250cc इंजन एंड सेम एज वेल ये ड्यूक 250 जैसी ही है। ओवरऑल अगर कंपेयर करें लाइक 250 जैसा इसमें एग्जॉस्ट है एंड इंजन भी 250 ड्यूक का जैसा सही है एंड रेडिएटर सामने वही एंड बस इसका जो ओवरऑल लुक है ना गाइस वो बस इसका कैफे रेसर टाइप में है। बाकी बात करें सेम एज वेल लाइक ड्यूक 250 है, डिस एंड टायर साइज वगैरह सब कुछ सेम लगभग, और थोड़ा सा मॉडल डिज़ाइन का बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो पावर फिगर्स आपको पता ही है, लाइक इसका 250cc इंजन है एंड डुअल चैनल ABS है एंड डुअल डिस्क ब्रेक है ऑफ कोर्सली एंड फ्रंट में आपको USD फोक्स मिल जाते हैं WP के एंड बैक में आपको मोनोशॉक मिल जाते। कंसोल की बात करें तो कंसोल आप देख ही रहे हैं गाइस कि ये थोड़ा सा मतलब फुल डिजिटल टाइप का ही है। और अगर इसके बात करूं मैं डिजिटल कंसोल की तो इस कंसोल में बेसिकली आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक यहां पर आपको जो इसकी इंजन की हीटिंग है वो, यहां पर इसकी फ्यूलिंग एंड ये बीच में आपकी किल स्विच अभी दिखा रहे हैं तो अभी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कौन सा मोड है, सुपर मोटो है एंड यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर गियर, ये इसका ABS यहाँ पर दिखा रहे हैं एंड यहाँ पर टाइम। सो एंड यहाँ पर ये इग्निशन, ये इंडिकेटर का है एंड गाइस ये मोड बटन है एंड ये साइड बटन है एंड ये हक्सवर्णा की ब्रांडिंग है एंड जो इसका हैंडल लुक है वो बेसिकली RC जैसा है एंड कैफे रेसर टाइप का इसका जो सेटिंग पोस्चर लुक है वो है एंड ये न्यूट्रल लाइट। बात करें इसकी हेडलाइट की तो काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम गोल सी एंड LED है बेसिकली और DRLs इसके, तो काफ़ी OP लुक दे रहा है एंड काफ़ी मज़ेदार लुक दे रहा है। तो चलिए अब इसकी राइड लेते हैं और इसमें मज़े लेते हैं कुछ बाइक के, तो देखते हैं। एंड बाइक काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हैं ये जस्ट 166 kg अराउंड समथिंग है, तो काफ़ी लाइट वेट है एंड मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी स्मूथ है यार, आप देख रहे हैं स्टार्ट करने पे ही मतलब एकदम मेरे को पता नहीं चल रहा कि बाइक स्टार्ट है, एकदम लिटरली इतना स्मूथनेस है ना बाइक में आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है। एंड रेव देने पर देखते हैं तो सेम है जैसा कि मैंने बोला था KTM का इंजन है, तो सेम वही साउंड, सेम सब कुछ वही है एंड वाइब्रेशंस तो काफ़ी हद तक रिफाइनमेंट में है और ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। यप्स, बेसिकली 80% तक मेरे को वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही है और उसके बाद थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं हाई रेव लिमिट पे, बट उस तक 80% तक मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। लाइक अगर बात करूँ तो ये 7000 RPM तक बेसिकली कम वाइब्रेशंस में एकदम नॉर्मल एंड उसके बाद से फिर ज़्यादा वाइब्रेशंस हो गई हैं। तो चलिए अब इसके राइडिंग रिव्यू देते हैं आपको। तो बस पिकअप तो काफ़ी OP है इसमें एंड अब चलते हैं। तो इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है। ओहो भाई साहब, यार भाई 250cc सेगमेंट बाइक मतलब क्या बाइक है यार, विटपिलियन मतलब जो भाई बाइक की मतलब पावर है यार वो तो गजब ही है भाई। जो पिकअप है इसका काफ़ी OP है यार भाई, बहुत सही यार, क्या मतलब बाइक है भाई, स्मूथनेस तो बहुत ही ज़्यादा है एंड कॉर्नरिंग करके देखते हैं इससे। तो गाइस लिटरली यार क्या बाइक है भाई, कॉर्नरिंग तो यार ये खुद ही कर दे रही है, मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, थोड़ा सा लिटरली मैंने डाउन किया और ये बाइक पूरी अपने साथ ले डाउन हो गई है। तो भाई साहब जो इसकी कॉर्नरिंग है वो तो OP ही है, एकदम OP। एंड ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी इसमें ऑफर होती है हमें एंड अगेन फिर से एक बार कॉर्नरिंग करके देखते हैं। तो गाइस कॉर्नरिंग इसमें जैसा कि मैंने बोला आपको काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है हमें, ये रही। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉर्नरिंग करने में और मतलब काफ़ी अच्छा फील दे रहा है कॉर्नरिंग में, मेरे को लिटरली फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइक में कोई इशू है। जो बाइक का मतलब रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देने में, क्योंकि जो बाइक की स्मूथनेस है वो लिटरली काफ़ी OP है एंड कॉर्नरिंग करने में तो भाई अलग लेवल के मज़े आ रहे हैं इसमें।
बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वेट बाइक है और ये इतना मतलब अच्छा ऑफ़र कर रही है, जो इसका परफॉर्मेंस है वो लिटरली काफ़ी अच्छा ऑफ़र कर रही है बाइक 250cc सेगमेंट के हिसाब से। एंड हाँ, अगर आप बाइकिंग स्टार्ट करें तो 250cc डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए, एंड काफ़ी सही है यार बाइक। एंड इसमें आपको बेसिकली मोड भी मिल जाते हैं, लाइक सुपर मोटो मोड और नॉर्मल ABS मोड भी, जिसमें आगे पीछे आप दोनों ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे गियर इंडिकेशन भी है, तो आपको वो भी ऑप्शन मिल रहा है, आप गियर्स भी देख सकते हैं। एंड बाइक की रिफाइनमेंट तो भाई काफ़ी ज़्यादा OP है, काफ़ी हद तक मेरे को बाइक काफ़ी पसंद आ रही है। आपको इसमें ज़रा सा भी पेन नहीं होगा, लाइक इतने में सेक्शन जितना मैंने अभी तक राइड किया, इस सेक्शन में राइड करते हुए मेरे को ज़रा सा भी मतलब बॉडी में थोड़ा सा भी स्ट्रेन या फिर वैसा कुछ फील नहीं हुआ, जिससे कि लगे जैसा कि मेरे को पेन हो रहा है या फिर ज़्यादा कुछ एग्रेसिव पोस्चर लगे। है एग्रेसिव पोस्चर है, बट इतना नहीं है कि आपको वो फील हो, तो बेसिकली मेरे को फील एकदम भी नहीं हो रहा है। एंड कॉर्नरिंग्स तो भाई देख रहे हैं मैंने कितना लीन कर दिया, लिटरली काफ़ी लीन थी बाइक, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में। एंड अब अगर इसकी ब्रेक्स की बात करें गाइस, तो ब्रेक्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी बेसिकली सुपर मोटो मोड में है और अभी इसकी ब्रेक्स टेस्ट करते हैं, तो इसकी ब्रेक्स को थोड़ा सा स्पीड में टेस्ट करते हैं, लाइक 75 की स्पीड है। एंड अभी टेस्ट करते हैं यहाँ से टर्न लेने के टाइम पे। तो ओके गाइस, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी ऑफर करती है बाइक हमें। एंड बाइक मतलब यार लिटरली इतनी लाइट वेट है ना कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मैं बाइक एक ड्राइव कर रहा हूँ, और वाइब्रेशंस तो ज़ीरो, इतनी स्मूथनेस है मतलब। सो गाइस, आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। लाइक जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग में भी ये काफ़ी अच्छी है, इसको मैं 5 में से 4 दूंगा। एंड सिटिंग पोस्चर एग्रेसिव है, बट आपको कंफर्टेबल लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, पिकअप इसका माइलेज वाइलेज सब कुछ अच्छा है, और बाकी ब्रेक्स परफॉर्मेंस सब कुछ तो मैंने बताई दी आपको। एंड एवरीथिंग मतलब लाइक जो बाइक है ना, ओवरऑल पैकेज है 250cc में, जो आपको बहुत अच्छी चीज़ ऑफ़र कर रही है। एंड हाँ, बस इसमें आपको जो आपका पिलियन राइडर होगा उसमें आपको थोड़ा इशू आ सकता है, बट उसके अलावा आपको अगर खुद राइड कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। इस फिर से कॉर्नरिंग करते हैं, तो यार इससे कॉर्नरिंग करने का इतना मज़ा आ रहा है, ये देखिए मैंने फुल लीन कर दिया, और मतलब लिटरली मेरा तो मन कर रहा है यहाँ दिन भर कॉर्नरिंग ही करता रहूँ अब मैं इससे। भाई साहब, जो इसकी परफॉर्मेंस मिल रही है ना, वो एकदम क्या ही चीज़ है भाई ये। स्पीड में भी कॉर्नरिंग करके देख लेते हैं गाइस, तो स्पीड में भी काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग है ये अपनी। एंड लिटरली मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी OP बाइक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना इस बाइक का वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एकदम फुल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है इससे। कॉस्ट जो बाइक आपको ऑफर कर रही है वो थिंक्स हो कि कोई और नहीं करेगी, मतलब करेंगी बहुत सारी बाइक्स हैं, बट ये जिस सेगमेंट में है ना, अपने सेगमेंट में मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बाइक है। एंड ये जो चीज़ें आपको ऑफ़र कर रही है वो भी काफ़ी OP है। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो स्मूथनेस मिल रही है वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल की है, मज़े आ रहे हैं फुल, आपको बाइक में ज़रा से भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। एंड परफॉर्मेंस आपको पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, क्योंकि इंजन 250cc ड्यूक का सेम एज़ यूजुअल है। एंड आपको कंफर्ट भी मिल जाएगा, एग्रेशन भी नहीं है ज़्यादा इसमें, एग्रेसिव है बाइक बट लिटरली इतनी नहीं है कि आपको इशू लगे। एंड फिर से कॉर्नरिंग करके देख लेते हैं, कॉर्नरिंग मतलब लिटरली इसको चलाने के बाद तो मेरी फेवरेट हो गई यार, इतनी फेवरेट हो गई ना आप समझ नहीं रहे। बाइक तो भाई काफ़ी सही है यार, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। अगर अब इसकी बात करें ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो हमें मिला है, तो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब लिटरली फुल मज़े आ गए एकदम बाइक को चलाने में। मेरे को जो इसकी टॉप चीज़ें अच्छी लगी हैं, सबसे पहले इसका इंजन रिफाइनमेंट, इसका पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है बट अच्छा लगता है, आप जब जाएंगे तो इसका जो आई कैची लुक है ना वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बनेगी ये बाइक, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है इसका। एंड थर्ड थिंग गाइस, की इंजन आपको 250 ड्यूक जैसा सेम एज यूजुअल मिल रहा है, तो काफ़ी मतलब नो डाउट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। एंड टायर्स आपको जो 200 में मिलते हैं MRF KRF C1 वो मिल रहे हैं सेम,
एंड डबल चैनल ABS भी है एंड सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, एंड बाकी आपकी बाइक स्टील ट्रेडिश फ्रेम पे रुकी है, 250cc बाइक है, तो काफ़ी OP है, काफ़ी अच्छा लगा बाइक चला के। सो होपफुली गाइज आप लोग को भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है एंड नॉलेजफुल रही है। अगर इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अच्छी अच्छी पिक्स देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Oh, oh, oh.